5-6 घंटा तो लग जाता है आपको टॉय ट्रेन में। रेलवे स्टेशन की ओर ये जाता है, ये बाहर आते ही यहाँ पे मेन रोड है। तो अभी हम ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा थकावट भी है। दर्शन करें, दर्शन बहुत ही ज्यादा आनंद में रहेगा। तो चलते हैं अब भंडारा की ओर। कैसे इतनी ऊंचाई ऊंचाई पे घर बनाया गया है और कैसे पीछे आप देखेंगे ना, जहाँ तक ये हिमाचल में शिमला का पुराना बस अड्डा है। आपको शिमला में कहीं घूमना है, कुल्लू मनाली कहीं भी, आप यहाँ से बस ले सकते। ये है मॉल रोड। अगर आप इधर से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो देखिए दर्रीज पड़ जाए। सभी को मेरा नमस्कार। बचपन से ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है इस शिमला के सफर में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से कालका, फिर कालका से शिमला आए से कम बजट में। अब इस एपिसोड में आप देखेंगे आप शिमला को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, शिमला में कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या बजट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक भरक सफर को। एक मिनट के दोस्तों, चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो एंड में लाइक का बटन जरूर दबाएगा। तो अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लें आप शिमला आएंगे कैसे। यदि आप बाय ट्रेन आते हैं तो आप कहीं से भी आएंगे, मतलब भारत के किसी भी राज्य से, सबसे पहले आप हरियाणा के कालका में आएंगे। वहाँ पे ट्रेन जो है एंड हो जाता है, वहाँ से टॉय ट्रेन चलती है, वहाँ से वैसी नॉर्मल ट्रेनें नहीं जाती, नैरो गेज होता है। वहाँ से कालका से शिमला तक की दूरी जो है 96 किलोमीटर की है और 5-6 घंटा तो लग जाता है आपको टॉय ट्रेन में आने में। बाय बस आते हैं तो बस की भी फैसिलिटी आपको मिल जाए, शिमला में एयरपोर्ट की भी फैसिलिटी है। और हाँ दोस्तों, यदि आप दिल्ली से आना चाहते हैं शिमला, तो हमने एक अलग से ही वीडियो बनाया है, हम आई बटन पर सेट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके जरूर देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दिल्ली से शिमला आएंगे आप कम से कम बजट में बाय ट्रेन। तो अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, वैकेशन का टाइम, हर कोई पहाड़ों की ओर जाना चाहता है, हर कोई ठंडी जगह जाना चाहता है। बात तो सही है। तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा सफर ला रहे हैं, अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें, फैमिली हैं आप लोग हमारी, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा सफर लाएं। जब आप ये वाले रास्ते से सीधा बाहर आएंगे तो आपको मेन रोड मिल जाएगा। देखिए रेलवे स्टेशन की ओर ये जाता है, ये बाहर आते ही यहाँ पे मेन रोड है, देख रहे हैं ना, यहीं से आपको बस वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी जो तारा देवी टेम्पल लेके जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं तारा देवी टेम्पल और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। ठीक है समरिया। सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा फेमस। तो अभी मैं हूँ इस वक्त सोगी पे, रेलवे स्टेशन से मैं बस से आया, 25 से 30 मिनट लगे और 30 रुपये लगे यहाँ तक। अब यहाँ से तारा देवी टेम्पल के लिए यहाँ से मेरे को बस मिल जाएगी। यदि आप डायरेक्ट बस आते तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन आप डायरेक्ट बस से आना चाहते तो आपको ओल्ड बस स्टैंड जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से उस तरफ। मैं तो इस तरफ आ गया था, मैंने आपको दिखाया। चाहे तो आप डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, चाहे तो आप दो बस बदल के आ सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से बस का वेट करते हैं और थोड़ी देर में बस आएगी जो हमें तारा देवी टेम्पल लेके जाएगी। अभी हम तारा देवी मंदिर पहुँचे, पीछे आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधा जाता है तारा देवी मंदिर। देखिए वहाँ से आधे घंटे तो लगा, लेकिन 10 रुपये लगा टोटल, देखा जाए तो 40 रुपये लगा है शिमला स्टेशन से यहाँ तक आने में। आप डायरेक्ट बस से आ सकते हैं या फिर आप दो बस बदल के भी आ सकते हैं, आप चाहे तो कैब या टैक्सी वगैरह बुक करके भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेंगे, क्योंकि जो चढ़ाई है ना बहुत ऊँचाई पर, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुद डर लग रहा था। बाकी आप यहाँ खुद आएंगे ना, एक्सपीरियंस करेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप रास्ता तो देख लेंगे कैसे ये रास्ता सीधा जाता है, और मैं आपको थोड़ी सी वादियाँ और घाटियाँ दिखाता हूँ। हिमाचल इसलिए तो फेमस है अपनी पहाड़ियों के लिए, अपनी हिल्स के लिए। तो अभी हम ऐसी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा थकावट भी है, लेकिन माता रानी ने बुलाया है तो जाना तो जरूर है। माता रानी तारा देवी बहुत ऊंची चढ़ाई है, पीछे तो आप देख ही रहे होंगे खाई, और कहते हैं माता रानी जिनको बुलाती वही आते हैं। बस भाई थोड़ी सी दूरी और बचा, फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कराते हैं और खुद भी दर्शन करते हैं। बाकी यहाँ आके एकदम सुकून और शांति आपको मिलेगा, माता रानी के दर्शन होगा। और देखिए मंगलवार को, शुक्रवार को और संडे को यहाँ पे भंडारा भी होता है, तो अभी माता रानी के दर्शन करेंगे और भंडारा का सेवन करेंगे। बाकी जूते चप्पल अपना वगैरह आप इधर सामने ही निकाल सकते हैं, और ये माता रानी का दरबार है सामने ही दर्शन के लिए। आवाज नहीं आई। जय माता दी।
अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से तारा माता रानी के दर्शन, देखिए कितना अच्छा लगा ना, इतनी ऊंचाई पे मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिला। तो आप सब यहाँ जरूर आएँ और तारा माता रानी के दर्शन करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे वैष्णो माता है ना, कहते हैं ना जब वैष्णो माता बुलाती तभी भक्त लोग आते हैं, तो ऐसे ही तारा माता है, जब तारा माता बुलाती तभी भक्त लोग आते हैं। तो चलते हैं भंडारा की ओर, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, पूरा एकदम पेट खाली हुआ है, क्योंकि चढ़ाई बहुत चढ़नी पड़ी ना, तो भंडारे का सेवन करते हैं। तो आपको भंडारा की चीजें दिखाते हैं सारी। तो अभी हमने भंडारे का सेवन किया, सच बताऊं भंडारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, आपको जितना दिल करेगा ना आप उतना खा सकते हैं सच्ची। बाकी हवाएं आप देख रहे हैं कितना तेजी से यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो आप सब यहाँ जरूर आएँ, दर्शन करें माता रानी के, साथ ही भंडारे का सेवन करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और कुछ पल अपना यहाँ बिताएं, एकदम शांति सुकून मिलेगा, सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, बस इस वादियों में खो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश की, देखिए कितना सुंदर कितना अद्भुत लग रहा है ना। उस तरफ आप देखेंगे तो देखिए धूप है, इस तरह देखिए छांव है, मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं, ठंडी तो लग रही है क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे हैं। बाकी आप देख सकते हैं हम कहां से आए होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे से ऐसे करते हुए पूरा एकदम ऐसे घूमते हुए फिर यूं करते ऐसे करते यूं आए। आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा ना हैरान भी हूँ, अरे मुझे चक्कर आने लग गया कि हिमाचल प्रदेश को ना कैसे बसाया गया होगा, मतलब शिमला को, कुल्लू मनाली, मतलब जो भी यहाँ पे शहरें हैं इतनी ऊंचाई पे, मतलब लगभग बहुत ही हाइट पे कैसे घर वगैरह बनाया होगा, कैसे सारी सुख सुविधाएं आई होगी। देखा जाए तो चैलेंजेस भरा है, कठिनाई तो है, यहाँ पे जब नज़ारे आप देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे भाई इतनी ऊंचाई पे कैसे। दोस्तों आपको नेचर की वीडियो पसंद है, ट्रैवल की वीडियो पसंद है, तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। और आपको कम से कम बजट में भारत का सफ़र करना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले दिल्ली को एक्सप्लोर किए, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद दिल्ली से बाहर निकल के एक एक शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस आप तक करा रहे हैं कम से कम बजट में, वहाँ के फेमस प्लेसेस, मार्केट, मॉन्यूमेंट्स। तो आप अपना यूँ ही सपोर्ट और प्यार बना के रखेंगे ना दोस्तों, तो हम भारत का सफ़र करेंगे बहुत ही कम में और आपको भी साथ ही एक्सपीरियंस कराएंगे। आपको हमारी वीडियो देख के जरा सा भी हेल्प होती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बिना आपके हेल्प के हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बस ने हमें छोड़ा था, अब यहीं पे बस आएगी, हम बस का वेट कर रहे हैं, ये सीधा हमें शिमला के ओल्ड बस स्टैंड ले जाएगी। फिर एक घंटे का समय लगा तारा देवी टेम्पल से, हम यहाँ आए हैं पुराना बस अड्डा, ये देख रहे हैं ये हिमाचल में शिमला का पुराना बस अड्डा है। आपको शिमला में कहीं घूमना है, कुल्लू मनाली कहीं भी, आप यहां से बस ले सकते हैं। तो अब यहां से चलते हैं आगे और मॉल रोड का आपको एक्सपीरियंस कराते हैं, यहां के फेमस मॉल रोड। मॉल रोड के लिए देखिए सामने बस स्टैंड है ना, थोड़ा सा आप आगे आएंगे देखिए ऐसा आपको पुल मिलेगा, इस पुल पर चढ़ जाना है यूं, और देखिए सामने जो रास्ता गया ना ये सीधा मॉल रोड की ओर जाता है। देखिए मॉल रोड के लिए भी ऐसी चढ़ाई है, और भाई क्या ही बताएं, मार्केट बढ़िया है, जहाँ तक देखेंगे आप देखिए मार्केट कितनी बढ़िया है, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या ही बताऊँ, मॉल रोड के लिए भी देखिए ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही सीढ़ी से, कोई नहीं, शिमला इसीलिए तो जानी जाती है, मैं बथेरों का डिजाइन कर रहा हूँ यार, पहाड़ी के लिए, अपनी फेमस पहाड़ों के लिए शिमला जानी जाती है। क्या रास्ता है, मजा आ गया देख के, चढ़ाई चढ़ाई है बस, ये है फेमस मॉल रोड। ओह माय गॉड, वाओ, आप जहाँ तक व्यू देखेंगे ना बहुत ही अद्भुत और एकदम मस्त, आपको हर जगह यहाँ पे दुकानें मिल जाएगी, खाने पीने की, शॉपिंग की, होटल की, सब चीज की आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं दिक्कत वाली। दोस्तों यहाँ पे आपको होटल 1,000, 1,200, 1,500 में आराम से और अच्छे होटल मिल जाएंगे, आप चाहे स्टेशन के पास लें या चाहे मॉल रोड पे लें। मॉल रोड पे मैं सजेस्ट करूँगा वो इसलिए ना क्योंकि मैं आपको व्यू दिखाता हूँ मॉल रोड का, अगर आप मॉल रोड पे लेते हैं होटल तो देखिए व्यू देखिए पीछे, बाकी इस तरफ आप देखेंगे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे खाने की फैसिलिटी हर जगह मिल जाएगी, रेस्टोरेंट, ढाबे, साउथ इंडियन, चाइनीज़, फास्ट फूड, थोड़ा बहुत कॉस्टली है लेकिन कहीं कहीं मतलब कि नॉर्मल है, एवरेज है। तो खाने की आपको फैसिलिटी अच्छे से अच्छे और हर जगह मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो मैंने बता ही दिया कि बस आपको हर जगह के लिए ओल्ड बस स्टैंड से मिल जाएगा, बट आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, जैसा आपका बजट
लगे आप ऐसा कर सकते हैं, अभी थोड़ा कोहरे से धुंध दिख रहा होगा ना, लेकिन पीछे जहाँ तक आप देखेंगे ना वहाँ तक व्यू देखिए। ये है मॉल रोड, अगर आप इधर से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो देखिए दर्रीज पड़ जाता है, मतलब मार्केट देखिए आप, और देखिए फेमस चर्च, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट वगैरह है, आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, आप सामने ही देख रहे हैं ना ये देखिए, और देखिए अगर आप मेडिसिन वगैरह लेना चाहें तो देखिए ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब कितना मस्त है, देखिए ट्राउज़र वगैरह लेडीज़ वगैरह के लिए, बाकी इधर जाएंगे तो जड़ी बूटी मिलेगी, स्लीपर वगैरह। तो दोस्तों इस सफर में आप सभी ने शिमला का एक्सपीरियंस किया जो कि पहाड़ों की रानी कही जाती है। यहाँ पे आपने शिमला के वादियाँ, शिमला की घाटियाँ, शिमला की खूबसूरतियों का एक्सपीरियंस किया, साथ ही टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस किया, और यहाँ का फेमस तारा माता मंदिर के दर्शन भी किए, यहाँ के मॉल रोड का भी एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ का द रिज है जो उसका भी एक्सपीरियंस किया। तो बात कर लेते हैं बजट की, मतलब शिमला सफ़र में कितना बजट रहा। देखिए दिल्ली से आप कालका तक आए 100 रुपये लगा जनरल कोच से, फिर कालका से आप शिमला तक आए टॉय ट्रेन में 50 रुपये लगा, 150 रुपये ये किराया, और फिर वहाँ से हम सीधा तारा देवी के मंदिर गए 40 रुपये लगा, 2 बस चेंज करके गए थे मैंने आपको बता दिया था, फिर वहाँ से हम मॉल रोड और रिज का एक्सपीरियंस के 40 रुपये वो लगा, देखा जाए तो 80 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का लगा, 150 रुपये जो है ट्रेन टिकट का लगा, वो फेयर मान ले मोटा मोटा तो 300-400 रुपये मान लेते हैं फेयर, और आपका खाना पीना 500-600 रुपये रख लेते हैं, बाकी आपको खाने की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आराम से 1000-1200-1500 रुपये में क्या बोलते हैं कि रूम आराम से मिल जाएगा, तो देखा जाए तो 1000 रुपये वो रख लेते हैं, 500 रुपये खाने का, और 500 रुपये ये रख लेते 2000, और 500 रुपये और ऐड कर देते तो 2000 से 2500 तक आराम से आप शिमला घूम सकते हैं, 1 से 1.5 दिन का सफ़र है, और ये सफ़र मैं 1 से 1.5 दिन तक का इसलिए लाता हूँ ताकि जो मेरी वीडियो देखे उनको हेल्प हो जाए, जो काम वाले बंदे जिनको जल्दी छुट्टी नहीं मिलता, जो घूमना चाहते हैं 1 से 1.5 दिन का, वो आराम से घूम सकते हैं। अब देखिए शाम को आप यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, टॉय ट्रेन कालका लेके जाएगी, कालका से फिर आप ट्रेन पकड़ेंगे सीधा आपको दिल्ली पहुँचा देगी, यदि आप दिल्ली से नहीं हैं किसी और राज्य से हैं तो भी आपको वहाँ से ट्रेनें मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारे साथ ही शिमला का सफ़र अच्छा रहा, साथ में आपको हमने सारे एक्सपीरियंस कराया जो हमने करा पाया, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे एक नए सफर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, जय हिंद।